तो दोस्तों बता दूं कि जो ये निशान। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, कि जैसे कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों जी हाँ, मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो शॉप वगैरह तो मैं खोलता था, तो लेकिन तबीयत मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। शाम के टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा फीवर आता था। तो ऐसा कुछ मेरे साथ आए दिनों में हो रहा था। 10-20 दिन हो गए थे कि मतलब कि ढंग से ना सो पाता था, तो इतनी ज़्यादा मतलब कि बुखार आता था। तो इन सब की वजह से मैं आपके साथ YouTube पे जुड़ नहीं पाया। तो ऐसा कुछ था मेरा हाल। तो दोस्तों अब मतलब कि जाके कहीं जाके मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ है, तो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ क्यों ना आज आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किया जाए। तो दोस्तों आज मैं जाऊँगा अपने नानी के घर, तो वहाँ पे मैं आपको एक मंदिर दिखाऊंगा जो काफ़ी साल पुराना है, जो कि मेरे नाना जी के भी आगे, जो आप समझ सकते हो कि उनके जो फादर है उनके भी आगे फादर, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो मुझे भी नहीं पता कितना ज़्यादा पुराना है, तो ये मुझे किसी बुजुर्ग आदमी से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। फिलहाल पहले चलते हैं नानी के, तो उसके बाद ले चलूँगा मैं आपको मंदिर। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पुराना मंदिर है, और वहाँ पे जो भगवान है उनके अंदर मंदिर के अंदर, वो है एक शायद कुल देवी है शीतला माता, और एक वहाँ पे साथ में ही उनके सामने शिव भगवान। तो मैं भी काफ़ी टाइम से उस मंदिर में नहीं गया, कहीं बचपन में मैं गया था जब हम छोटे हुआ करते थे, तब हम उस मंदिर में गए थे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहें, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपको वहाँ पे जो आसपास का जो गांव है, तो वहाँ पे वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, वीडियो में कवर कर लूँगा। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों टाइम हो रहे हैं 3:30, तो ले चलते हैं हम आपको वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए, मिलते हैं वहीं। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैं नानी के घर पे हूँ। तो ये देखिए सामने रिवर, तो ये हाथों में चाय, तो देखिए रिवर साइड आज हम चाय पी रहे हैं। तो घर ही बिल्कुल दरिया की साइड है, तो रिवर साइड अगर चाय मिले तो क्या ही मज़ा हो, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे करेंगे आज हम इस व्यू को एंजॉय करेंगे, और साथ में चाय और बिस्किट। तो चलिए करते इसे एंजॉय। तो बाकी आप व्यू चेक कर सकते हो यहाँ का, इन पहाड़ों के बीचों बीच, और यहाँ पे हमारे सूर्यदेव भी आप डूब रहे हैं। तो बाकी आप यहाँ पे गांव की लुक चेक करो, काफ़ी ज़्यादा पुराने मकान हैं यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये कुछ गांव की लुक। तो दोस्तों अभी हम आए शिव भगवान के मंदिर में, यहाँ पे हम थोड़ा पेंट वगैरह करेंगे। तो ये रही कुछ शिव भगवान की निशानी। तो दोस्तों बता दूं कि जो ये निशानी है, ये कम से कम 500 साल पुरानी है। तो दोस्तों ये रही शिव भगवान की निशानी, और इस साइड रही शीतला माता की निशानी। ये दोनों साथ साथ नहीं है। इस वाली जो निशानी है इसको पेंट करेंगे। तो ये ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे देवी देवताओं का मंदिर ऐसा होता है कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे एक और हमें शिवलिंग दिखी है जो बिल्कुल लकड़ी में बनी हुई है, ये देखिए ये रही। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो पेंट का काम था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके ऊपर ये निशानियां लगा रहे हैं। तो इसे थोड़ा धूप में सुखा के फिर हम इसके अंदर शिवलिंग डाल देंगे, जो शिव भगवान की वो निशानी है उसे डाल देंगे, फिर हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे हवन कुंड। तो बाकी ये है कुछ, देखिए शिवलिंग हमने अंदर डाल दिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी निशानी है शिव भगवान की। तो थोड़ी बाहर से जो जानवरों की वो आवाज़ आ रही है, तो उसे थोड़ा इग्नोर ही करना। तो ऐसा कुछ है। तो
चलिए जाते जाते आप दर्शन कर लीजिए। तो ये हमने काम कर लिया है, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमने अभी शिवलिंग अंदर डाल दिया है,